ड्रैगन अपनी झूठ के सबूत बार बार पेश कर रहा है। जिनपिंग के सैनिकों की नकली ट्रेनिंग का एक और वीडियो सामने आया है। क्या है ये वीडियो, देखिए 100 सेकंड की हमारी इस रिपोर्ट में। ड्रैगन के दिखावटी बहादुरी की तस्वीरें आपने बहुत देख ली। जिनपिंग के वीडियो वाले ऐसे झूठ आपने बहुत देख लिए। चीन के ऐसे न जाने कितने प्रोपेगेंडा वीडियो आपने बहुत देख लिए। अब ड्रैगन के झूठी ट्रेनिंग, नकली वॉरशिप के साथ खोखली बहादुरी के सबूत भी देख लीजिए। जिनपिंग के बुजदिल जवान न जाने कौन सी जंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अपने साजो सामान के साथ निकलते हैं, फाइटर जेट पर सवार होते हैं और पैराशूट से नीचे सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। न जाने चीन इस वीडियो से क्या साबित करना चाहता है। इस वीडियो में चीन का छल है, उसके धोखेबाजी है, उसका फरेब है। चीन समझता है कि दुनिया इन वीडियो से डर जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि यह चीन का प्रोपेगेंडा है। दुनिया जान गई है यह चीन का सिर्फ दिखावा है। सैनिकों का अपमान करने वाले जिनपिंग के ढोंग का एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो से जिनपिंग ने अपनी ही खिल्ली उड़वा ली। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। देखा आपने, सामने से अनाउंसमेंट हुआ और फिर चीनी सैनिकों ने अपनी कैप उतार कर हाथ में पकड़ ली और सिर नीचे झुका लिया। सबसे आगे खड़े थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो भी अपना सिर झुका कर खड़े थे। यहां सैकड़ों लोगों के सिर नीचे थे, सन्नाटा पसरा था। सेना के जवानों के साथ अधिकारियों ने भी सिर झुका रखे थे, कई आम लोग भी इसमें शामिल थे। दरअसल ड्रैगन के दंगाबाज फौज और धोखेबाज राष्ट्रपति जापान के साथ हुए युद्ध में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सिर झुका कर खड़े थे। लेकिन असल ऐसी फौज और ऐसे मुल्क के राष्ट्रपति का सिर शर्म से ही झुक जाना चाहिए जिसे अपने सैनिकों का सम्मान करना नहीं आता। झूठ और फरेब में हदें पार करने वाले चीन और उसके राष्ट्रपति को ये तस्वीरें नहीं दिखती क्या? शी जिनपिंग को इन शहीदों की फिक्र नहीं है क्या? ये उन चीनी सैनिकों की कब्र है जिन्हें भारत के शूरवीरों ने तब मौत के घाट उतारा था जब वो गलवान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भारत के 20 जवान शहीद हुए जबकि चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। भारत ने 20 शहीदों का शोक मनाया, उन्हें सम्मान दिया, लेकिन चीन जैसे दगाबाज मुल्क ने पहले तो माना ही नहीं कि उसके जवान मारे गए हैं। बाद में कहा कि उसके सैनिक मारे गए, लेकिन संख्या बताने से इंकार कर दिया। ऐसे मुल्क के सैनिक भी सोचते होंगे कि आखिर उनकी सरकार कैसी है और उनका राष्ट्रपति कैसा है। अब यहां पर ये फौज और उनका सिरमौर सिर झुकाए खड़े हैं। ये असल में शहीदों का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान है, क्योंकि पहले सैनिकों का सम्मान करना है तो उन शहीदों का करो जो हाल ही में गलवान में मारे गए हैं, वरना हकीकत में ऐसी फौज और ऐसे राष्ट्रपति का सिर शर्म से ही झुक जाना चाहिए। यू स्टॉप नाइन रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।